एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में भी भीषण उमस भरी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई है। यहां आने वाले मरीजों में ज्यादा संख्या उल्टी, दस्त, बुखार और हीट स्ट्रोक के मरीज शामिल हैं। भले ही एक दो दिन से मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है, लेकिन मौसम के इस मिजाज ने गर्मी का सितम झेल रहे लोगों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। पहले तो लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन एक दो दिन से हुई हल्की बारिश के बाद लोग अब उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। बड़ी संख्या में लोग उमस भरी गर्मी के चलते बीमार हो रहे हैं। तस्वीरों में आप जो हालात देख रहे हैं, ये हालात कहीं और के नहीं बल्कि अपने एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की ओपीडी के हैं, जो मरीजों से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। भीषण गर्मी में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मरीज के लिए लगाए गए एसी पंखे भी चल तो रहे हैं, लेकिन कर्मचारी मरीज और तीमारदारों को राहत पहुँचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, राहत तो नहीं कह सकते इसे। उमस ने जो है परेशान कर रखा, जैसे पहले जो गर्मी थी कुछ समय पहले, उससे ज़्यादा गर्मी लग रही है उमस वाली। तो लोगों को तो यही सलाह दी जाती है कि कम से कम निकलें, ज़्यादा ही ज़रूरी हो तब निकलें। और वो ओपीडी में जो ज़्यादा ही वैसे मरीज हैं जिनको दवा की या चिकित्सा की आवश्यकता है, वही लोग आए चिकित्सा में, और कम से कम सुबह जल्दी या निकल के जाएँ, अपना ORS का पानी का घोल पीते रहें। और मरीजों से संबंधित हमारी व्यवस्थाएँ अच्छी है। यहाँ पर दो दो RO लगे हुए हैं, पानी का ठंडा पानी लगा। एक जो है संगठन ने प्याऊ लगा रखी है, इसे जो RO का पानी जो पिलाती है। और उसके अलावा भी जो है कूलर टेंट, कूलर वगैरह की समुचित व्यवस्था है सभी जगह। दवाई एवं पंजीकरण विंडो पर उमस भरी गर्मी के चलते मरीज तीमारदार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। यही हाल डॉक्टर के चैम्बर के बाहर का भी है। यहाँ भी मरीज अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। वास्तविक से जैसे हीट स्ट्रोक कहते हैं, लू लग जाना या ज़्यादा परेशान हो, इस तरीके तो नहीं आते यहाँ पर। वो तो सीधे इमरजेंसी है, उसमें इमरजेंसी में ही आते होंगे। यहाँ पर तो शायद बुखार वाले आ जाते हैं, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो बुखार वाले जाते हैं, दस्त है, पेट ख़राब है जिनका, इन लोगों से संबंधित ज़्यादा जा रहे हैं। वैसे तो मरीज तो सभी तरह के आते हैं यहाँ पर, तो मेडिसिन से संबंधित ज़्यादा मरीज आते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रभारी अधिकारी फार्मेसी डॉक्टर प्रदीप जैन का कहना है, भीषण गर्मी को देखते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य की ओर से व्यवस्था में कई बड़े सुधार और बदलाव किए गए हैं। दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली गई है, लेकिन मरीजों की अधिक संख्या होने के चलते व्यवस्थाओं को बनाए रखना एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ताज नगरी को पर्यटन नगरी कहा जाता है, और आगरा जनपद की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और टेम्परेचर जो है 45, 46, 47, 48 डिग्री तक जा चुका है। ऐसे में अगर बात करें एसएन मेडिकल कॉलेज की, तो पर्यटन स्थलों के साथ साथ गर्मी का जो असर है वो एसएन मेडिकल कॉलेज में भी देखने को नज़र आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग उल्टी, दस्त, बुखार की शिकायत लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। और अगर बात करें चिकित्सकों से परामर्श लेने की, तो ओपीडी में फिजिशियन की जो ओपीडी है और मेडिसिन की जो ओपीडी है, उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को नज़र आ रही है। हम इस समय पंजीकरण विंडो के पास मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर है। लगातार मरीजों की संख्या है, इस समय करीबन 1 बजे का समय हो रहा है, और सुबह से लेकर अभी तक हालात यही जस के तस बने हुए हैं। लगातार लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और कब वो पंजीकरण विंडो पर अपना पंजीकरण करा सकें, और उसके बाद चिकित्सक को दिखाकर दवा ले सकें। तो लगातार अगर बात करें सीज़न की, तो आज भी अगर ओपीडी की बात करें तो करीबन 3 से 4 हज़ार आदमी यहाँ पर चिकित्सकों से परामर्श लेने के लिए आ चुका है। और अगर गर्मी की बात करें, तो गर्मी से बचने के लिए तमाम उपाय एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उससे जो व्यवस्थाएँ की हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रही है। अपने साथी रॉकी के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।